दोस्तों, पाकिस्तानी भाभी के नाम से मशहूर सीमा हैदर बीते कई दिनों से सुर्खियों में है। बीते दिनों खबर थी कि सीमा और सचिन आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और इस बात का जिक्र दोनों ने खुद किया था, जिसके बाद अब उनकी मदद के लिए लोगों के हाथ आगे बढ़ने लगे हैं। इसी बीच खबर है कि मेरठ के एक फिल्म प्रोड्यूसर अमित जॉनी ने सीमा और सचिन को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया है। वहीं गुजरात के एक कारोबारी ने भी दोनों को 50,000 रुपये प्रतिमाह की सैलरी पर नौकरी देने का भी प्रस्ताव रखा है। दरअसल सोमवार शाम को ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में सचिन के घर एक चिट्ठी पहुंची। दोनों ने पुलिस की मौजूदगी में इस चिट्ठी को खोला। इससे पता चला कि ये चिट्ठी उन्हें गुजरात के किसी कारोबारी की ओर से भेजी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस चिट्ठी में कारोबारी ने सीमा और सचिन को 50,000 रुपये महीने की सैलरी पर नौकरी देने का ऑफर दिया है। साथ ही कहा जा रहा है कि इस चिट्ठी में लिखा था कि वो दोनों कभी भी काम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर उन्हें किसी और तरह की मदद की ज़रूरत होगी तो वो भी की जाएगी। वहीं मेरठ के एक फिल्म प्रोड्यूसर अमित जॉनी ने दोनों को अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया है। साथ ही वो सीमा के घर जाकर एडवांस में चेक देने को भी तैयार थे। हालांकि इस फिल्म ऑफर पर सीमा और सचिन के घर वालों ने कहा है कि जब तक उनके खिलाफ जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वैसे अब देखना होगा कि सीमा और सचिन की ये कहानी कहां तक पहुंचती है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि देश और दुनिया की तमाम अनोखी खबरें हम आपके लिए लाते रहें।